जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है जिसमें कि एमएसपी ब्रिटिश सर्विस पे 10,500 के बारे में बात की गई है। और यदि एमएसपी बढ़ती है तो जो रिटायर है उनको भी फ़ायदा होगा और जो ऑन सर्विस में है उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो ये लेटर है जिसमें कि CDS के साथ मीटिंग की बात की गई है, MSP बढ़ने की बात की गई है। और जो आजकल माहौल चला है जिसमें कि एक्सिस मैन GCOR अपने हक के लिए जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में ये लेटर काफ़ी सर्कुलेट हुआ है और इसकी महत्व काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये लेटर जो है इंडियन एक्सिस मैन लीग के द्वारा जारी किया गया है, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। 28 फरवरी 2023 को ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मीटिंग विद CDS 28 फरवरी 2023 पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी कि CDS के साथ मीटिंग हुई है 28 फरवरी 2023 को। और जो पॉइंट है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उनमें उनके उन पर यहाँ पर डिस्कस हुआ है। सबसे पहले जो पॉइंट है, फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ESW MOD, यानी कि ESW विभाग का कामकाज, ESW MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे बताया गया कि द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर, सेना भवन, उसकी ऐसी स्थिति है यानी जो सभी के लिए नॉट एक्सेसेबल है। यदि कोई अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारों को मिलना भी चाहे तो उसकी जो स्थिति है वो वहाँ पर ठीक नहीं है, वहाँ पर मिल नहीं सकता। दूसरी जो बात यहाँ पे कही गई है कि जो प्रधानमंत्री का जो सिद्धांत है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सिद्धांत का पालन ये डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। और तीसरी बात यहाँ पे कही गई है कि यदि EWS यानी कि एक्सेस मैन वेलफेयर डिपार्टमेंट विभाग के आउटपुट का यदि ऑडिट किया जाए तो यह देखा जाएगा कि इसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, वो किसी भी हितधारक के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं। इसके विपरीत भारतीय जो नौसेना है, वायुसेना के जो डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली कैंट में स्थित है, वो इनसे बेहतर काम वहाँ पर कर रहे हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे को लेकर है। मिलिट्री सर्विस पे MSP टू GCOs, यहाँ पे बताया गया है कि GCOs की MSP का जो पॉइंट है वहाँ काफ़ी बार इंडियन एक्सेस मैन लीग ने गवर्नमेंट के सामने उठाया है और जितनी बार भी उठाया है उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। न कोई लॉजिकल यहाँ पर रीज़न बताया गया है और न कोई डिस्कस हुआ है। द रीज़न फॉर डिमांड फॉर इन्हेंस्ड MSP, तो इसी बात को ध्यान रख, हमारे कुछ डिमांड्स हैं जो कि MSP के बारे में है और भी हैं, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला जो यहाँ पर डिस्कस किया गया पॉइंट कि एवरी नर्सिंग ऑफिसर्स हैव बीन ग्रांटेड MSP हु हार्डली गो टू सेक्टर और सर्विस वेयर थ्रेट टू लाइफ इजिट, यानी कि एवरी जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, जो MNS हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में जाते हैं और जहाँ पर लाइफ का ज़्यादा खतरा है वहाँ पर वो नहीं जाते हैं। सी कंट्री दे आर नॉट ऑफिसर एज पर DSR। और दूसरी बात है कि वहाँ ऑफिसर नहीं है पर DSR के हिसाब से। दे हैव बीन ग्रांटेड MSP RS 10,500 पर मंथ, फिर भी उनको ब्रिटिश सर्विस पे 10,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है इनका वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि GCOs आज गैजेटेड ऑफिसर Class 2 एंड शोल्डर कॉम्बैट एंड एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कॉम्बैट जोन्स, है कि GCOs एक Class 2 गैजेटेड ऑफिसर है और वहाँ सोल्जर के साथ कॉम्बैट एंड एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्बैट जोन में उठाते हैं। GCOs आर ग्रांटेड हाईली स्टेटस इन पे ग्रेड एंड हैंस MSP बींग पे शुड बी RS 10,500 एज पर मंथ फॉर GCOs, यानी कि GCOs यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको यहाँ पर जो MSP है वह 10,500 रुपये दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि GCOs ग्रेजुएटेड ऑफिसर हैं, Class 2 ऑफिसर हैं और वह पूरी रिस्पॉन्सिव उठाते हैं, चाहे एडमिन हो चाहे कॉम्बैट जॉन हो। अगला जो पॉइंट है ECHS फंड के बारे में है कि ECHS का जो फंड है वहाँ कम रिलीज किया जाता है जबकि खर्च ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें ECHS को चलाने वालों पे भी उठती हैं,
लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट से मांग की जाती है कि कम से कम 8,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने चाहिए। यह भी सिफारिश की जाती है कि इस चीज़ सेना मुख्यालय यानी कि DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर के अंदर होना चाहिए, न कि ESW विभाग के अंतर्गत। तो ये जो अपडेट थे ये इंडियन एक्सेस में लीक के द्वारा दिए गए हैं और उनके द्वारा ये बात कही गई है। हालांकि यहाँ चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है कि यहाँ जो लेटर है यहाँ सही है, लेकिन ये सोशल मीडिया भी काफ़ी दिनों से चर्चित में है। और इसमें जो बात कही गई कि CDS के साथ मुलाकात हुई है और जो पॉइंट मैंने बताया इन पर डिस्कस हुई। आज के इतना ही। जय हिंद।